हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार मौर्य आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप रियलमी C30 में ऐप लॉक कैसे लगाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर देगा सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देगा ताकि आने वाले इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग वीडियोज की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। सो फ्रेंड, चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। जैसे फ्रेंड्स आपके फोन में ऐप लॉक का ऑप्शन है तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है। सो फ्रेंड्स मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है ऐप लॉक। सो फ्रेंड्स यहाँ मैं ऐप लॉक सर्च कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आपको थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पे आपको इस ऐप लॉक के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, अदरवाइज मैं इस ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आपकी ऐप इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको ओपन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरी ऐप है, ये ओपन हो गई है। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आपको अपने पासवर्ड लॉक को सेट कर लेना है, जो भी आप अपने ऐप लॉक पे पैटर्न लॉक सेट करना चाहते हैं यहाँ पे आपको सेट कर लेना है। सो फ्रेंड्स यहाँ मैंने अपना पैटर्न लॉक सेट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आपको अगेन अपने पैटर्न लॉक को वेरीफाई करने के लिए अगेन एंटर कर देना है। सो फ्रेंड्स यहाँ मैंने अगेन एंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आपको अपना लकी नंबर एंटर कर देना है। सो फ्रेंड्स यहाँ मैं अपना लकी नंबर एंटर कर देता हूँ। जैसे फ्रेंड्स यहाँ मैंने 1234 एंटर कर दिया। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको डन पे क्लिक कर देना है। डन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज इंटरफेस होगा। यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख रहे हैं मेरे इन ऐप्स के ऊपर पहले से ऐप लॉक सेट हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको वन टैप लॉक पे क्लिक करना है। सो फ्रेंड्स मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ परमिशन आएंगे तो आपको इनको अलाउ कर देना है। सो फ्रेंड्स मैं इनको अलाउ कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको इसको अलाउ करना है। इसको अलाउ करने के बाद यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऐप लॉक पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इसको अलाउ कर देना है। इसी तरीके से यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन को भी अलाउ करना है और यहाँ पे आपको इस पर अलाउ कर देना है। यहाँ पे आपको ऑलवेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको थर्ड ऑप्शन को भी अलाउ करना है। इसको अलाउ करने के बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ये सेट हो जाएगा ऐप लॉक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सारी परमिशंस को अलाउ कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको ऐप लॉक के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख रही हैं ऐप लॉक के सिंबल ब्लू है, इसका मतलब मेरे इन ऐप्स के ऊपर पहले से ऐप लॉक लगा है। और अगर आपको और ऐप्स के ऊपर ऐप लॉक लगाना है तो यहाँ पे आपको नीचे आना है। यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको ऐप लॉक के सिंबल पे क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इस ऐप लॉक के सिंबल पे क्लिक किया, इस पर क्लिक करते ही ये सिंबल ब्लू होगा, इसका मतलब मेरा इस ऐप के ऊपर ऐप लॉक लग गया। सो फ्रेंड्स अब मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि मेरा ऐप लॉक सेट हुआ कि नहीं हुआ। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड्स अब मैं आपको चेक करके दिखा दूँ। यहाँ पे आपको होम स्क्रीन पे आना है और यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने क्लॉक पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे ऐप लॉक सेट हो गया और यहाँ पे आपको अपना ऐप लॉक ड्रॉ कर देना है। ड्रॉ करते ही ऐप ओपन हो गई। सो फ्रेंड्स इस तरीके से आप रियलमी C30 में ऐप लॉक सेटिंग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी हिडन सेटिंग थी। इस वीडियो के लिए एक लाइक बनता है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।